जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन का टॉपिक सर्कुलर मोशन। और बच्चों अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों कंसीडर किया कि कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ जिसकी की रेडियस आर है पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और किसी समय पर यह पार्टिकल इस ए पॉइंट पर है और पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन है। और बच्चों ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए इस बी पॉइंट पर पहुंचता है और इस बी पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी टू है। बच्चों वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं दिस इज द वी वन वैक्टर एंड दिस इज द वी टू वैक्टर। क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन दैट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू। यानी बच्चों ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी टू। तो बच्चों ड्यूरिंग दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये जो पार्टिकल हैं इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी हम बोल सकते हैं स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन बच्चों वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और बच्चों जहाँ पर कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्योंकि बच्चों किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होती है तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूसली वेलोसिटी की चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो बच्चों ये जो मोशन है दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों हम लिख सकते हैं सो व्हेन ए बॉडी इज इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो बच्चों अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इस डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट शीट पर चलता हूँ। बच्चों देखिए अगर ये कोई पार्टिकल है और ये कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है और बच्चों ये पार्टिकल मोशन के स्टार्ट होने के डेल्टा टी टाइम बाद जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पार्टिकल पर इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है। अब बच्चों इस पार्टिकल की डायरेक्शन कुछ चेंज होगी और अब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचता है और जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचता है इस पार्टिकल पर इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फिर कोई फोर्स लगता है और बच्चों इस पार्टिकल की डायरेक्शन फिर चेंज होगी और जैसे ही ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचता है फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फिर इस पार्टिकल पर फोर्स लगता है और बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर चेंज होगी और अब ये पार्टिकल पहुंचा इस पॉइंट पर जहां पर फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा और इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर चेंज होगी और पार्टिकल पहुंचता है इस पॉइंट पर और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बच्चों फिर इस पर फोर्स लगता है फिर बच्चों इस पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर चेंज होगी और पार्टिकल पहुंच गया इस पॉइंट पर फिर बच्चों यहां पर आपका फोर्स लगता है तो पार्टिकल की डायरेक्शन फिर चेंज होती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये आपका एक पॉलीगन टाइप की शेप बन रही है और अगर ये टाइम इंटरवल जिसके बाद में ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हर जगह इक्वल हो तो बच्चों ये जो शेप होगी ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन होगा, यानी हर साइड आपकी इक्वल होंगी। तो बच्चों अगर आप सोचिए ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी छोटा होता चला जाए तो बच्चों इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती चली जाएंगी और बच्चों ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो
जब हम बोलें कि इस पार्टिकल पर कंटिन्यूसली फोर्स लगे, तो बच्चों इस पॉलीगन की साइड्स इन्फिनिटी होंगी। यानी बच्चों ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी आपका टेंस टू जीरो होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन टेंस टू इन्फिनिटी। अब बच्चों आप सोचिए कि सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं, तो आप बोलेंगे सर्कल में तो साइड्स होती नहीं हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो सर्कल के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। यानी बच्चों अगर ये कंटिन्यूस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे, तो इन्फिनिटी साइड का एक पॉलीगन बनेगा, और इस इन्फिनिटी साइड के पॉलीगन को हम सर्किल बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक कंटिन्यूस फोर्स लगे, तो उस पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। ओके, यानी ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो बच्चों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस पार्टिकल पर कंटिन्यूसली फोर्स लगने की वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों किसी समय पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। यानी बच्चों ये पार्टिकल ए पॉइंट पर है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। और बच्चों इस पार्टिकल पर जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। और बच्चों इस फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये बच्चों ये फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगेगा। चलिए और देखते हैं, ये पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए कंसीडर किया कि इस बी पॉइंट पर आता है, और इस बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है बच्चों वो कंसीडर किया वी टू है, और फोर्स इस पार्टिकल पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। और बच्चों टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स नॉर्मली लग रहा है, और सर्किल में जो नॉर्मल है बच्चों वो सेंटर से होके जाता है। तो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और बच्चों उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर बच्चों इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ फोर्स लगे, तो इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन भी होगा, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो बच्चों इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को बच्चों जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसको हम बच्चों सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखिए, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर हम बोलें सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर उस सर्किल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी। और अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड बाय एन एक्सेलरेशन व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बच्चों अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कंसीडर किया कि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है, और ये पार्टिकल किसी समय पर इस पॉइंट पी पर है, और इस पॉइंट पी पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली है, और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस क्यू पॉइंट पर पहुंचता है, और इस क्यू पॉइंट पर बच्चों वेलोसिटी इस पाथ के टेंजेंशियली होगी। और कंसीडर किया कि मैंने इस क्यू पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वी टू है,
और बच्चों मैग्नीट्यूड में ये जो वेलोसिटी वी वन है दैट इक्वल टू वेलोसिटी वी टू, क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल ए सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू। बच्चों इस पी और क्यू पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने डेल्टा एस कंसीडर किया, सो लेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू बी डेल्टा एस। बच्चों इस पार्टिकल की जो मोशन है उसको मैं क्लियरली अलग करके समझता हूँ। तो बच्चों इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन इस पी पॉइंट पर टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में है। बच्चों मैं अलग से कंसीडर करता हूँ कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन है और इस क्यू पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियली वी टू है, सो दिस इज वी वन एंड दिस इज द वी टू। यानी बच्चों इस पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इसके पैरेलल मैंने ये वी वन वेक्टर कंसीडर किया है, क्यू पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी वी टू है उसके पैरेलल मैंने ये दूसरा वेक्टर वी टू कंसीडर किया है, और कंसीडर किया कि ये आपका ए बी वेक्टर है और ये आपका ए सी वेक्टर है। और बच्चों आप अगर ज्योमेट्री से देखें तो एंगल सी ए बी ये बच्चों आपका डेल्टा थीटा के इक्वल होगा। ओके बच्चों इसको मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए इस पी पॉइंट पर आपका ये वी वन वेक्टर है और इस क्यू पॉइंट पर आपका ये वी टू वेक्टर है, और बच्चों ये V1 इस P पॉइंट पर टेंजेंशियली है, सिमिलरली इस Q पॉइंट पर ये V2 टेंजेंशियली है, और ये PQ आपका नॉर्मल है। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में बच्चों जो एंगल होता है दैट इज द 90 डिग्री, और सिमिलरली बच्चों अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं तो बच्चों ये एंगल भी आपका 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि बच्चों ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो बच्चों देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो बच्चों ये एंगल और इस एंगल का सम आपका 180 डिग्री है, तो बच्चों ये जो एंगल होगा आपका दिस इज द 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा, क्योंकि बच्चों किसी भी रेक्टेंगल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो बच्चों 180 तो आपका ये हो गया इन दोनों का सम, तो बच्चों इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। डेल्टा थीटा इज दिस, सो दिस एंगल इज 180 माइनस डेल्टा थीटा, और बच्चों देखिए ये जो एंगल है आपका ये आपका डेल्टा थीटा होगा, यानी एंगल बिटवीन दिस वी वन वैक्टर एंड दिस वी टू वैक्टर। तो बच्चों एंगल बिटवीन दिस V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर दिस इज द डेल्टा थीटा। ओके तो बच्चों हमने देखा ये जो एंगल है आपका ये आपका डेल्टा थीटा होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम B टू C लेट इट बी डेल्टा V, और बच्चों इस डेल्टा V की डायरेक्शन आपका B टू C है। तो बच्चों हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं, सो दिस वी वन वैक्टर प्लस डेल्टा वी वैक्टर दैट इक्वल टू दिस वी टू वैक्टर। ये बच्चों वैक्टर में जो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था ये वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो यहां से लिख सकते हैं हम डेल्टा वी दैट इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल में देखते हैं पी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी दिस इज द पी क्यू ओ, सो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, सो एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू दैट इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड एंगल सी ए बी दैट इक्वल टू डेल्टा थीटा। और बच्चों इन दिस ट्राइंगल ओ पी क्यू दिस ओ पी अपॉन ओ क्यू
दैट इक्वल टू वन, क्योंकि बच्चों ओ से पी तक का जो आपका ये डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, ये आपकी इस सर्किल की रेडियस है. सिमिलरली ओ क्यू इज द रेडियस, सो ओ पी अपॉन ओ क्यू दैट इज द रेडियस अपॉन रेडियस, सो दिस इज द वन, एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि बच्चों इस वी वन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इस v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों इक्वल है, यानी a से b तक की जो लेंथ है वही आपकी a से c तक की लेंथ होगी. तो बच्चों देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो आपकी साइड्स, यानी दिस साइड एंड दिस साइड, आपका a b और a c के बच्चों इक्वल हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स का जो रेशो है बच्चों वो सेम है, और ये एंगल आपका दोनों ही ट्रायंगल में डेल्टा थीटा है. तो हम बोल सकते हैं द ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी. और देखिए बच्चों, इस ओ पी के करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में ए बी है, ओ क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों आपकी ए सी है, और इस डेल्टा एस जो कि आपकी पी क्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों आपकी बी टू सी है. तो बच्चों हम लिख सकते हैं दिस पी क्यू अपॉन पी ओ दैट इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. So from here, this PQ is the displacement. So this is the delta S upon PO. So this PO is the radius of this circular path. That equal to BC. So this is the delta V upon AB. That is the V. Consider क्या कि बच्चों इस velocity का magnitude V है. तो बच्चों जहां से लिख सकते हैं हम दिस डेल्टा वी दैट इक्वल टू वी अपॉन आर इनटू डेल्टा एस. अगर बच्चों ये पार्टिकल इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक डेल्टा टी टाइम में पहुंचा है, तो बच्चों इस रिलेशन में अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूं, तो बच्चों ये रिलेशन हमारा होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट इक्वल टू वी अपॉन आर इनटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. यानी बच्चों मैंने दोनों ही तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया है. जहां पर ये जो वी है बच्चों इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको स्पीड भी बोल सकते हैं. बच्चों फर्दर डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट सीट पर चलता हूं. तो बच्चों प्रीवियस सीट पर थे हम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट इक्वल टू वी अपॉन आर इनटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तो बच्चों इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने का समय डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो, और अगर हम बोलें डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दिस इज द डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट इक्वल टू. बच्चों वी आपकी स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, आर आपका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, ये कांस्टेंट है. तो बच्चों कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले सकते हैं, और हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तो बच्चों आप इस टर्म को देखिए, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और बच्चों टाइम इंटरवल आपका बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो. तो बच्चों ये पूरा टर्म आपका होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और बच्चों आप इस टर्म को देखिए, दिस इज द डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तो बच्चों ये आपका डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है. तो बच्चों ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों ये पूरा टर्म आपका होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इसको हम लिख सकते हैं v, और इसको लिख सकते हैं हम बच्चों एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम हेयर दिस एक्सेलरेशन a इक्वल टू v अपॉन r इनटू दिस इज द वेलोसिटी v. तो बच्चों जहां पर जो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दैट इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन आपकी जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ होगी। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए दैट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस फॉर्मूले को बच्चों हम बहुत ध्यान रखेंगे, आने वाले जो टॉपिक्स हैं जहां हम बोल रहे हैं पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो बच्चों इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम डिफरेंट फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो बच्चों हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा था, सो दैट इज द वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चों वी की वैल्यू आर ओमेगा में जहां पर पुट कर सकता हूं, सो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज द आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, सो फ्रॉम हेयर दिस इज द आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, सो फ्रॉम हेयर दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। जानिए बच्चों ये दोनों रिलेशन आपको बहुत बहुत ध्यान रखने हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड इन दिस फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इनटू ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको ए सी भी लिख सकता हूं, फ्रॉम हेयर दिस ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, हेयर ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो ए सी जो इंडिकेट कर रहा है ये आपका सेंट्रीपिटल को इंडिकेट कर रहा है। बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, सो बच्चों इफ द मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बी एम, तो बच्चों जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द एफ सी, ये होगा बच्चों मास ऑफ द पार्टिकल इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों जहां से लिख सकते हैं हम दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इक्वल टू एम, और बच्चों सेंट्रीपिटल जो आपका एक्सेलरेशन है इसका रिलेशन था दैट इज द वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों अगर हम इस रिलेशन को यूज करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों रिलेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, बच्चों आपको बहुत ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके बच्चों।